एलनाबाद में चौधराहट की लड़ाई तेज हो गई है। इसी को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। बीजेपी जेजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा गांव-गांव का दौरा कर लोगों से बीजेपी को वोट की अपील कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। जहां भी गोविंद कांडा जा रहे हैं वहां लोगों की हुजूम अपने आप इकट्ठा हो जा रही है। गुरुवार को भी उन्होंने कई गांवों का दौरा किया जहां लोगों से मिल रहे अपार जन समर्थन से गोविंद कांडा न सिर्फ गदगद दिखे बल्कि एलनाबाद में कमल खिलने का दावा भी किया। बहुत बढ़िया, और एलनाबाद हल्के में एक खुशहाली की तरह लोगों के ऊपर खुशहाली आई हुई है और बहुत उत्साह है लोगों में कि अब की बार एलनाबाद हल्के का विकास होगा और एलनाबाद हल्का बदलाव चाहते हैं, अब की बार एलनाबाद हल्के का बदलाव होगा। स्थिति आप जनता से देख रहे हैं कि कितनी खुशहाली है जनता के मन में और ये बदलाव चाहते हैं और ये बहुत बड़ी जीत होगी, यहाँ पे बहुत बड़ा कमल खिलने जा रहा है। इस दौरान गोविंद कांडा ने एलनाबाद में अपने विरोधी और इनेलो के उम्मीदवार अभय चौटाला पर भी जमकर वार किए। गोविंद कांडा ने कहा कि अभय सिंह चौटाला को एलनाबाद हल्के के लोगों ने लगातार 3 बार विधायक बनाया लेकिन एलनाबाद हल्के का उन्होंने विकास नहीं कराया। उन्होंने कहा कि 17 सालों से अभय चौटाला विधायक बनते रहे लेकिन 17 सालों से अभय सिंह चौटाला ने एलनाबाद हल्के की एक भी मांग को सरकार के सामने नहीं रखा जिसकी वजह से एलनाबाद विकास के दौर में पीछे छूट गया। किसान तिवारी जी किसान का ये लोग यहाँ के नहीं, आप गांव वालों से पूछो, ये गांव के लोग खड़े हैं, सभी इनसे पूछो, एक भी आदमी गांव का नहीं है, और ये सब किसान है, एक भी नहीं है, ये पूछो इनसे, एक भी गांव का नहीं है, सब पांच सात बेकार टिंगर के ठहरे, ये तो इनेलो पार्टी के वर्कर है, इन्होंने इकट्ठे करके ये जो बुखलाहट हो रही है इनेलो को, हार की बुखलाहट हो रही है, इसलिए इन्होंने मेरे पीछे लगा रखे हैं। कोई खास बात नहीं, देखे मीठे के साथ कुछ कड़वा तो चलते है, थोड़ा थोड़ा करकड़ा मुरमुरा सा ही चलता है। तभी गाँव वालों ने, बहुत गाँव वालों ने इनको बताया कि आप बाहर के लोग हैं और हमारे गाँव में ऐसा नहीं होने देंगे, उनको गांव से बाहर निकाल दिया गया कई गांव से। वहीं गोविंद कांडा ने कहा कि विरोध करने वाले किसान नहीं बल्कि एनएलओ पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि एनएलओ हार को देखते हुए बौखला गई है और अपने कार्यकर्ताओं को उनका विरोध करने के लिए पीछे लगाया है। उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले एनएलओ कार्यकर्ताओं को एलनाबाद हल्के के कई गाँवों में ग्रामीणों और किसानों ने भगाया भी है। उन्होंने एनएलओ कार्यकर्ताओं पर गांव का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। 17 साल से एलनाबाद का जो विधायक है वो विपक्ष में रहा है और कभी उन्होंने एलनाबाद की मांग ना तो विधानसभा में रखी है ना मुख्यमंत्री जी से मांग करी कि मुझे ये चाहिए, और ये तो मुख्यमंत्री जी का जो पूरे हरियाणा में एक विकास एक समान चल रहा है उस समान के नाते हर गांव-गांव में बहुत विकास है लेकिन उन्होंने कोई विकास नहीं करवाया, कभी जाके कोई मांग नहीं रखी। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने सेम नाले की समस्या हल करी है, अभी यहाँ ने आपने सुना किशनपुरा में जो नहर पानी की समस्या हल करी है, तो ऐसे मुद्दे यहाँ पे अभी एलनाबाद हल्के में, एलनाबाद प्रॉपर एलनाबाद में पीने के पानी के लिए 26 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, बरसाती पानी के लिए 4 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। वहीं अभय चौटाला के बीजेपी पर पैसे देकर वोट खरीदने के आरोपों पर गोविंद कांडा ने जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हार देखकर बौखलाहट में अभय ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। मेरा प्यार है लोगों के पास जो मेरे को मिल रहा है, मैंने कभी किसी को ना पैसा दिया, ये तो मैंने इनकी सेवा की है, जब भी मुझे जरूरत पड़ी, भाई गोपाल कांडा जी के, बाबा तारा जी के आशीर्वाद से कोरोना में 25 से लेकर 30 हजार आदमियों का खाना दिया, कोरोना में जब जरूरत पड़ी तो 10 दिन के अंदर 150 बेड का हॉस्पिटल बनाया, निरंतर मैं इनकी गरीबों की शादियां कराता हूँ, 50 हजार ऑपरेशन हमने फ्री किए हैं, तो ये निरंतर उसी का प्रताप है कि मैंने कोई पैसे नहीं दिए, मतलब ऐसा कोई नहीं है, और उनका तो वो बुखलाहट के अंदर कुछ भी बोलेंगे। बता दें कि गुरुवार को गोविंद कांडा ने उम्मेदपुरा, मेहनाखेड़ा, कुंथला, ममेरा बड़ी, ममेरा छोटी, मीठी सुरेरा, लखजी ढाड़ी और एलनाबाद में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान जहां बीजेपी सरकार के कामों को उन्होंने गिनवाया तो वहीं एलनाबाद के पिछड़ेपन के बहाने उन्होंने एनएलओ पर वार किए। लेकिन जिस तरह से गोविंद कांडा को गांव में समर्थन मिला है उससे गोविंद कांडा काफी गदगद दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।